भैया, मैं आज आपके लिए आज एक स्पेशल टाइप का फेशियल लेकर के आई हूँ जो आजकल के यूथ के लिए है। आजकल यूथ में पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है। उन पिंपल के साथ साथ उनकी उनकी जो स्किन में जो स्पॉट है उससे उनकी पर्सनालिटी जो है उससे डाउन होती है। इसके लिए मैंने एक फेशियल लेकर के आए हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आपको मेरे वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन दबाना नहीं भूलना है। आजकल के यूथ को जो पिंपल के जो बहुत सारे डार्क स्पॉट हो जा रहे हैं उसके लिए मैं ये फेशियल लेकर के आई हूँ। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप हफ्ते में इसको यूज़ करिए और देखेंगे आपके पिंपल्स के दाग कम होने के साथ साथ आपकी स्किन में एक बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। लेकिन आपको ये मेरी रेमेडी जो है इसमें मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे टिप्स भी बताऊंगी, आप उसको फॉलो करेंगे तो देखेंगे कि आपके स्किन में जितनी भी ज़्यादा निखार आ जाएगी और साथ ही डार्क स्पॉट आपके कम होते होते धीरे धीरे आपके वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी होम जो रेमेडी है वो बहुत थोड़ी इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यू उसको करना पड़ता है। और लेकिन ये इसका परमानेंट सोल्यूशन देता है। अपने आपके सामने ही लाइव दिखाऊंगी कि मैं इसका इस फेशियल का यूज़ कैसे करती हूँ। क्योंकि मेरे डार्क स्पॉट नहीं है, मैं अपने चेहरे पे कभी भी फेशियल नहीं करवाती, मैं भी होम रेमेडी ही सारा यूज़ करती हूँ। और मुझे याद भी नहीं है कि मैं पार्लर मुझे गए कितने टाइम हो गया है। तो आप घर बैठे आप इस समय जो लॉकडाउन का सिचुएशन है उसमें पार्लर जाना भी वैसे भी अनसेफ है, तो आप चाहें तो आप घर में भी एक अच्छा निखार पा सकते हैं और जिसकी भी जो है स्पॉट की प्रॉब्लम है उसको भी दूर कर सकते हैं। इसको स्टार्ट मैं स्किन का क्लीनअप करने जा रही हूँ। ये हमारे जो है जो मेरा क्लीनअप है ये हमारे स्किन की गंदगी को निकालेगा और साथ ही उसको क्लीन करेगा। स्किन क्लीनअप के लिए मैंने ये रॉ मिल्क लिया है। रॉ मिल्क हमेशा ही स्किन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। ये ब्राइटनिंग लाता है, साथ ही जो है आपकी जो है ऑयल है उसको एक्सेस ऑयल उसको भी निकालने में काफ़ी हेल्प करता है। मैंने साथ ही इसमें नींबू लिया है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे स्किन को एक तो ब्राइट करता है, साथ ही जो है आपकी ब्राइटनेस के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव हो, साथ ही ये हमारे जो डेड स्किन है उसको क्लीन भी करता है। आपके जितने भी दाग धब्बे हैं उसको रिमूव करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। इसमें मैं 2 से 3 ड्रॉप्स में नींबू का ऐड करूंगी। आप इसको अच्छे से अपने स्किन पहले आप अपने स्किन को धो लीजिए, उसके बाद इसको इस प्रोडक्ट को यूज करना है। अब मैं इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करूंगी। फेशियल का फर्स्ट स्टेप है कि अपने स्किन को क्लीन करना। मैंने पहले अपने चेहरे को गुनगुने पानी से वॉश कर लिया ताकि मेरे जो पोर हैं ओपन हो जाए। और उसके बाद जो भी मैंने यूज़ किया है, जो भी रस है वो हमारे स्किन जो है एब्जॉर्ब कर सके, उससे इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मैंने क्लीजनर के लिए रॉ मिल्क लिया है और नींबू, ये इस दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है स्किन के लिए। आप चाहें तो आप इसको डेली बेस पर भी आप ये जो क्लीनर है उसको यूज कर सकते हैं। स्क्रब के लिए मैं 1 से 1.5 चम्मच मैंने दलिया लिया है। दलिया मैंने ये कच्चे दूध में भिगा दिया है। कच्चा दूध और जो दलिया है, दलिया में विटामिन ई बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारी जो डेड स्किन है उसको क्लीन करेगा और साथ ही ये हमारे स्किन में एक लाइटनिंग भी हमारे स्किन में काफ़ी लाइटनिंग देता है और हमारे स्किन को क्लीन करता है। ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और साथ ही मैंने ये तुलसी का रस लिया है। तुलसी हमारे जो एक्ने की प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, साथ ही ये दाग धब्बे को रिमूव करने में ये हमारी काफ़ी हेल्प करता है। मैं इसमें से थोड़ा सा ये जो है तुलसी का रस ऐड करूँगी और
जो ये मेरा स्क्रब है अब रेडी है। इस स्क्रब को मैं अपने स्किन पे जब क्लीन कर चुकी हूँ उसके बाद मैं इसको अप्लाई करूँगी और धीरे धीरे रब करूँगी। इसका इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इनका सेकेंड स्टेप है कि आप उसको पहले अपने स्किन के जो डेड स्किन है उसको अच्छे से क्लीन करना है। तो उसके लिए मैंने जो ये दलिया और तुलसी के रस का जो और रॉ मिल्क है मैंने उसका ये जो पेस्ट बनाया है मैं उसको अपने चेहरे पर रब करूँगी, क्योंकि मैंने जो है कच्चे दूध में एक घंटा पहले ही दलिया भिगा दिया था तो बहुत स्मूथ हो चुका है वो, बहुत हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन आपको उसको सर्कल मोशन पे रब करना पड़ेगा, उसके 5 मिनट तो कम से कम आपको करना ही है। ये आप चीज़ें जो है कंटिन्यू आप अगर फॉलो करते रहेंगे, हर हफ्ते इसका यूज़ करते रहेंगे तो इसका रिजल्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। मैं अपने चेहरे को हल्के हाथों से जो स्क्रब है उसका मैं मसाज कर रही हूँ ताकि मेरा जो स्किन है वो अच्छे से क्लीन हो सके। आपके को नोज का एरिया है उसको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डेड स्किन रहता है। अब मैं अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पर इसका कितना अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है। अब मैं फेशियल का थर्ड स्टेप के लिए मैंने एलोवेरा जूस लिया है प्लांट का, और साथ ही मैंने इसमें टमाटर का जो है जूस ऐड करूँगी और इसमें तुलसी का जो रस है वो मैं ऐड की हूँ। उसका रिजल्ट ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा स्किन के लिए अच्छा रहता है। ये एक्ने की प्रॉब्लम आपका जो है परमानेंट सॉल्व करेगा, साथ ही जो एक्ने के दाग धब्बे हैं उसको ये रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। और इसके साथ साथ आपका स्किन में आप देखेंगे कि आपके चेहरे में एक चमक एक ग्लो अपने आप ही आना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो साथ ही मैंने ये जो छिलका है जो एलोवेरा का मैं उसको फेंकूंगी नहीं क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में एलोवेरा जेल रहता है, मैं उसको अपने मसाज में यूज करूंगी। साथ ही जो टमाटर है टमाटर का जो छिलका है मैं उसका भी यूज अपने मसाज के लिए मैं करूंगी। अब आपको ये जो है इसको अच्छे हल्के हाथों से इसका जूस अपने स्किन के में एब्जॉर्ब कराना है। आपको जो स्किन जितना अधिक ये जूस एब्जॉर्ब करेगा रिजल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। आपको हल्के हाथों से सर्कल मोशन में आपको अपना ये मसाज करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप 10 मिनट में भी आप इसका मसाज कर सकते हैं, लेकिन आप चेहरे पे जितना अधिक ये सारे जूस को जो आपका स्किन जितना अधिक एब्जॉर्ब करेगा रिजल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो बिल्कुल आपको हल्का हाथ ही यूज़ करना है। इसका आप रिजल्ट देखेंगे कि आप इसको फर्स्ट बार अप्लाई करिए उसके बाद देखिए इसका रिजल्ट, आपको खुद ही महसूस होगा कि इसका रिजल्ट कितना ज़्यादा अच्छा आता है। मसाज करते हुए मुझे 15 मिनट हो चुका है। अब मैं जो है फेशियल का इम्पोर्टेंट स्टेप 4th की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। उसके लिए मैंने फेस पैक बनाया है। उस फेस पैक के लिए मैंने मसूर की दाल लिया है। मसूर की दाल में जो है हमारे स्किन के जो एक्सेस ऑयल है उसको ये क्लीन करता है और साथ ही इसमें आपके स्किन को ब्राइटनिंग और टाइटनिंग दोनों ये देता है। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसका मैं कई पैक बताऊंगी आपके स्किन के लिए आने वाले समय में। और ये मसूर का दाल बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारे स्किन के लिए। साथ ही मैंने 8-10 पत्ता ये जो है नीम का लिया है। नीम के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल एंटीबायोटिक ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके एक्ने को रोकते हैं, साथ ही उसके दाग धब्बे को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करते हैं।
इसको आपको पीस लेना है अच्छे से स्मूथ पेस्ट। साथ ही मैंने ये गुलाब गुलाब की देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ लिया है। देसी गुलाब में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी के साथ साथ आपके स्किन में ये फेयरनेस लाता है। साथ ही ये पीएच बैलेंस, हमारे स्किन का पीएच बैलेंस भी करता है। ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। इसका जो पीछे का है इसका सिर्फ पंखुड़ियों का ही यूज़ करना है आपको, और ये जो पीछे का जो उसका ये निकला हुआ है आप इसको निकाल देंगे। आपको सिर्फ पंखुड़ियों का यूज़ करना, ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। साथ ही मैंने 15 पत्ते ले के करीब मैंने ये तुलसी का लिया है। तुलसी में जो है, तुलसी को हमारे यहाँ माता का दर्जा है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे एक्ने को रिमूव करते हैं, साथ ही हमारे जो दाग धब्बे हैं स्किन के इसको भी रिमूव करते हैं। साथ ही ये टमाटर है, टमाटर को मैंने मसाज में ऑलरेडी यूज कर रखा है। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे स्किन के लिए। ये हमारे स्किन में जो है दाग धब्बे रिमूव करता है क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन सबको मैं मिक्सर जार में डाल करके इसको एक स्मूथ सा फाइन पेस्ट बना लूँगी। इस पेस्ट को जो है आपको 15 से 20 मिनट तक आपको उसको लगाना है। ये पेस्ट जब लगाने के बाद आपको 2 स्लाइस खीरे का अपनी आइस पर रखना है। और ये देखिए मेरा जो पेस्ट है तैयार हो गया है। अब मैं इसको लगा लूँगी और लगाने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पर मैं इसको रखूँगी, और साथ ही मैं अपनी आइस पर 2 खीरे का स्लाइस काट करके रिलैक्स मोड पे मैं लेट जाऊँगी। उसके बाद आप इस जो है फेस पैक है इसको आप अच्छे से ठंडे पानी से धो सकते हैं, और धोने के बाद आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप इसका जो है फर्स्ट स्टेप में ही जब आप पहली बार इसका यूज करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सब नेचुरल होता है तो नेचुरल चीज़ों का इफेक्ट। मैंने अपने चेहरे पे फेस पैक धो लिया है, आप देख सकते हैं कि मेरे स्किन पे कितना लाइट आ चुका है। आप इसको अगर आपको एक्ने की भी नहीं प्रॉब्लम है तब भी आप इसको यूज करेंगे, आपका ये इफेक्टिव है। साथ ही जिनको झाइयाँ की प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट आता है। साथ ही मैंने लास्ट टाइम इसमें मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ, मैंने पतंजलि का एलोवेरा है। ये लगाने से आपके जो स्किन है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा और ये काफ़ी इफेक्टिव होता है। आप इसको हल्का सा मसाज करते हुए आप अपने स्किन में लगाएंगे, इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ